वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मेंसुरेशन के प्रॉब्लम को देखेंगे जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर के बेसिस पे है। और ये प्रॉब्लम क्लास 8 से लेकर के 10 तक के सभी बच्चों के लिए कॉमन है। इवन अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखो। तो चलिए देखते हैं इसके प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम में क्या पूछा जा रहा है उसको आप अच्छे तरीके से समझिए। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर, यानी जो राइट सर्कुलर जो सिलेंडर है उसका जो बेस का जो सर्कमफेरेंस है वो 176 सेंटीमीटर दिया गया है, जबकि सिलेंडर की हाइट 65 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम एंड लेटर सरफेस एरिया, यानी दो चीज़ों को आपको पता करना है कि वॉल्यूम क्या होगा और लेटर सरफेस एरिया क्या होगा। तो पहले इसको आप डायग्राम के माध्यम से समझिए कि मान लो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर का डायग्राम आपने बना दिया। तो ये सिलेंडर का क्या है, ये टॉप वाला पोर्शन है और ये बॉटम वाला पोर्शन है। तो ये बॉटम वाला पोर्शन ही क्या है, यही बेस है। तो जब सिलेंडर का जब बेस देखोगे ना तो वो सर्कुलर फॉर्म में है होता है, और यहाँ पे सर्कमफेरेंस दिया गया है। तो सर्कमफेरेंस किसको कहते हैं, सर्कल की जो बाउंड्री जो लेंथ होती है उसी को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से मान लो आपसे वॉल्यूम पूछा रहा है, तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट जो है जितना जगह लेता है या उसके अंदर जितनी जगह है, ठीक है, वो स्पेस ही क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो मान लीजिए पाई की वैल्यू 22/7 आप जानते हो, इसमें सिलेंडर की जो हाइट है वो 65 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये चीज़ आप रख लीजिए, लेकिन ये किसकी जगह पे पता, हाइट की जगह, लेकिन अभी आपको इसमें आर नहीं पता है। जब तक आर नहीं पता रहेगा तब तक आप इसका वॉल्यूम आप नहीं निकाल सकते हैं। तो आप आर कहाँ से निकलेगा, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी बात हो रही है कि सरकमफ्रेंस जो है बेस का वो दिया गया है कितना, 176। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो सरकमफ्रेंस आप सर्कल का जो फॉर्मूला जो होता है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे सी इज इक्वल टू होता है 2πr होता है, ठीक है ना। हम पहले r निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो c की वैल्यू कितनी दी गई है, 176 सेंटीमीटर दी गई है, इसको आप रख लीजिए, ये सेंटीमीटर है, गलती से मीटर मत समझ लेना। इज इक्वल टू 2π की वैल्यू 22/7 और ये हो गया r। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 22 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 44/7 इनटू आर, और इधर हो गया क्या, 176 सेंटीमीटर। तो इस 7 को जब हटाओगे ना तो इधर आके किस में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे ऊपर कैलकुलेशन करते रहे, 176 सेंटीमीटर, और इस 7 चूंकि 7 राइट साइड में डिवाइडेशन से कनेक्टेड है तो हटाओगे तो इधर आके ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसको आप लिख लीजिए, 7 इज इक्वल टू 44 इनटू आर। अब आर निकालना है तो इस 44 को हटाओगे, चूंकि 44 इस आर के साथ मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है तो हटाओगे तो किस फॉर्म में चला जाएगा, डिवाइडेशन में चला जाएगा। तो 176 सेंटीमीटर इनटू 7 और नीचे हो गया 44। अब यहाँ पे देखो कि ये जो 176 जो दिख रहा है ना, ये 44 से जब डिवाइड होगा तो कितनी बार में डिवाइड होगा, 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो 44 जा 176, अब आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो 4 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई जब 7 में करोगे तो 28 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर आ जाएगा। यानी जो रेडियस का जो वैल्यू होगा बेटा वो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमने आर यहाँ पे मैं निकाल लिया है, अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, आर स्क्वायर यहाँ यूज हुआ है, तो आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर का मल्टीप्लाई 2 बार करना होता है। तो जो आर की वैल्यू आई है 28 सेंटीमीटर वो आपको 2 बार यहाँ पे लिखनी होगी, 28 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर, क्लियर। अब यहाँ देखिए 28 7 से जब डिवाइड होगा तो कितनी बार में हो जाएगा, 4।
अब 22 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो क्या होगा, 88 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 65 सेंटीमीटर। अब इसका जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, 88 का मल्टीप्लाई आप किससे कर लो, 28 से कर लो यहाँ पे, तो 8 8 जा 64 8 8 जा 64 एंड 6 70 2 8 जा 16 2 8 जा 16 एंड 1 74 6 7 7 40 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। अभी आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 65 से मल्टीप्लाई करना है, तो 65 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 5 4 जा 20 5 6 जा 30 एंड 2 32 5 4 जा 20 20 एंड 3 23 हो जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 2 12। अब 6 का मल्टीप्लाई 4 में करो तो 6 4 जा 24 6 जा 36 एंड 2 38 एंड 6 4 जा 24 एंड 3 27 एंड 6 2 जा 12 हो गया और 12 और 2 जोड़ लो तो 14 हो गया। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, क्लियर। तो देखिए पहले हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आया था, 2464 आया था। अब इस रिजल्ट में हमने 65 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो देखो क्या आ रहा है, 0 2 4 6 3 8 11 2 7 9 एंड 1 10, क्लियर, 1 4 5 एंड 1 6 हो गया और ये हो गया 1। यानी जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1,60,160, क्लियर, 1,60,160। अब ये सेंटीमीटर कितनी बार आ रहा है, तो ये 3 बार आ रहा है, देखो 1 2 3, तो सेंटीमीटर लिख करके और ये क्यूब लगा दीजिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि वॉल्यूम इस सिलेंडर का कैसे निकला है। अब हम लोग बात करते हैं जो इसमें दूसरा प्रॉब्लम दिया गया है, तो यहाँ पे देखो दूसरा प्रॉब्लम दिया गया बेटा कि लेटर सरफेस एरिया निकालना है। तो लेटर सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसी को ही हम लेटर सरफेस एरिया हम लोग कहते हैं, क्लियर। अब इसको हम लोग शॉर्टकट में LSA लिख सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, चाहे लेटरल सरफेस एरिया बोलो या इसको आप CSA भी बोल सकते हो, CSA यानी कॉर्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH होता है। और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपको फार्मूला बनाने नहीं आता है, ठीक है, तो फार्मूला बनाने का कॉन्सेप्ट आप ज़रूर देखें, उसमें मैंने बताया है कि फॉर्मूले को इजी तरीके से कैसे बनाते हैं। तो उस वीडियो का जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वीडियो के एंड में मैं जरूर दूंगा, मैं आप उसे एक बार देख लेना। अगर आपको एक बार पता चल गया कि फॉर्मूला बनाते कैसे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसका अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे CSA निकालना है जो कि 2πRH होता है, तो 2 ऐसे रन थे, पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लीजिएगा, रेडियस अब देखो हम लोगों ने निकाला था तो 28 सेंटीमीटर आया था, इसको ले लेंगे। सिलेंडर की हाइट क्वेश्चन में देखो 65 सेंटीमीटर दी गई है, 65 सेंटीमीटर यहाँ रख दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 728 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में, 4 टाइम्स में, नाउ 2 मल्टीप्लाई 22 44 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 176 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको 65 सेंटीमीटर से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 176 मल्टीप्लाई बाय 65, तो 5 6 जा 30 5 7 जा 35 एंड 3 38 5 1 जा 5 एंड 3 8 हो गया, 6 6 जा 36 6 7 जा 42 एंड 3 45 एंड 6 1 जा 6 एंड 4 10। तो ये हो गया 0, ये हो गया 4, यहाँ पे 4 कर लीजिए, ये 1 और ये 1, इट मीन्स 11,440, इसको आप लिख लीजिए। और यहाँ देखो सेंटीमीटर 2 बार आया हुआ है, तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ों का कैलकुलेशन देखा,
कि वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेटर सरफेस एरिया कैसे निकलता है। अगर और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको देखने हैं तो ऊपर आई बटन का सिंबल दिख रहा है। वीडियो के एंड में भी आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, इवन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी खोल के जरूर देखिएगा, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक मैंने दे रखे हैं। जैसे फैट टाइसन का है, प्रॉफिट लॉस का है, ठीक है, जो जिस भी आपको वीडियो देखनी हो आप दे सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो नहीं बनी है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस पर वीडियोस जल्द से जल्द बना करके आपके सामने लाई जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।